मेरे यहां नौकरी करेगा ईमानदारी से, मैं तुझे अपना बेटा बना के रखूंगा। बड़ी अच्छी बात है सेठ जी। और बेटा सुरेश, मेरे पास एक बेटी है जिसका नाम उर्मिला है, उसको अपनी सगी बहन समझना। मैं आशीर्वाद कहता हूँ सेठ जी कि आपकी बेटी जो है उर्मिला, उसे अपनी बहन की तरह ही मानूंगा। देख बेटा, हाँ, तू भूख की आज से परेशान है। जी हाँ, कपड़ा ढंग से नहीं पहना है। राम शरण, इसको कपड़ा पहना देना, इसको खाना खिला देना, इसको काम बता देना। मैं जा रहा हूँ हैदराबाद स्टेशन पे बिल्टी छुड़ाने के लिए, नमस्कार। ठीक है, ठीक है बेटा। सुरेश, मैं जा रहा हूँ स्टेशन पे बिल्टी छुड़ाने के लिए। जी हाँ सर जी, ये सब काम बता देना, बता देंगे। कपड़ा जो पसंद साहब आपने कह दिया, हम सब करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप कभी हम पे नाराज ना हो, ना ही आपका कभी कोई नुकसान होने दूंगा। यही उम्मीद रखता हूँ। हाँ। चलता हूँ। जाइए सेठ जी। तो तुम्हारा नाम राम शरण है? हाँ। यार तुमने हम पर एहसान कर दिया, हमारे एहसान का कम किया था। क्या किया मैंने? पटक दिया, चोट ही लग गई। नहीं यार, मैं इस वजह से पटका कि जितना तगड़ा काम करूंगा उतना दबा करके हमें तुम नौकरी पर रखोगे। तो दबा के दिखाएगा ताकत यहाँ हमें। हाँ 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 चला। हाँ तो पहले पहले खाना खाओ कि नहा। देखो भाई साहब, ये ठंडी का महीना है, तुम पहले हमें खाने खिला देना। चला खाना। कपड़ा पहन लिया। अच्छा एक बात बताओ यार, हमें करना क्या होगा? कुछ नहीं यार भैया, केवल दुकान में बैठे के बस। मैं दुकान में बैठ कर खाली बैठना है? अरे जो बाकी है उनका सामान देगा और उनका बैठेगा, कुछ कुछ होगा ही। अरे सामान देना है, उसका तौर तरीका भी तो समझना चाहिए ना। लिस्ट देंगे ना, सब हमें लिखा पढ़ावा, कौन सामान ही है, कौन सामान हुआ, दाम का विचार चाहिए। हाँ सब बताओ ना। बताओगे ना? हाँ। तो बस देरी क्या करना है, आओ चलते हैं, तुरंत चलते हैं। हाँ। राम शरण का कोई पता नहीं रहता है। मैं आपके सामने। राम शरण जी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा। ओ क्या कहना चाहूंगा? कि मेरी बेटी राधा कॉलेज गई लेकिन अभी तक वापस नहीं आई, न जाने क्या बात है, समय ज्यादा हो रहा। वो वापस नहीं है? हाँ राम शरण। ओ समझ गया कहना है। क्यों? मास्टर साहब लेट हुई है। शाम सारे दिमाग खराब हो गया है क्या? बक रहा है परीक्षा? वो हम कहा गए, हम बोल दिया परीक्षा। तो ऐसा क्यों नहीं कहता कि परीक्षा लेते होंगी? हम मास्टर साहब लेट हुई है परीक्षा, ये हो पाते तो परीक्षा पहले लेके सकता है। अच्छा ठीक है, खचुआ सानी। राम शरण, जब तक मैं बेटी राधा को देखता नहीं हूँ मुझे तसल्ली नहीं मिलती है, इसलिए कि उसकी दुनिया में माँ नहीं है, हमें सब कुछ उसके है। सही है। और जब तक मेरे सामने नहीं रहती है मुझे चैन नहीं मिलता। ऐसा करो, कुछ समय हम उसका इंतजार करते हैं, अगर नहीं आती है तो तुम्हें जा करके पता लगाना होगा कि आई क्यों। पता लगाएंगे। मैं इंतजार करता हूँ।
नमस्ते धारा धारा क्या राधा 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 और रामचरण ठीक बात बढ़िया घर में इंतजार कर रहे मेरा चलो खुश रहो बेटी। मैं कितने समय से तेरा इंतजार कर रहा था। रामचरण एक बात हम तुमसे जानना चाहेंगे, मतलब ये कि बेटी राधा जब कॉलेज से आया करती थी तो कॉलेज के ही ड्रेस में पहले मुझसे मिला करती थी, उसके बाद हवेली में प्रवेश करती थी। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं कि नए नए कपड़े पहनकर आई है, कहीं जाने की इरादा है या कुछ सोचा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा राम सर। यह बजे हमारा समझ नहीं है उसमें। हाँ लिबास का पहने से बारों का कान का पहरा हो जाएगा। लिबास कहा जाए। एक कपड़ा कब ले से बताओ, हंटर उठ गया तो यहाँ से वहां तक छीन दूंगा सारी। आप पूछे अबे मैंने खरीद कर दिया है ना। तो खरीदी हुई है और खरीदी राम शरण मैं इसे मालूम करता हूँ। बिल्कुल मालूम और का मेरे राधा, मैं तुमसे बात करना चाहते हैं, मेरी बात को गौर से सुनो। कहिए बाबूजी। Thank you.
मैं हैदराबाद जाने के लिए तैयारी बनाया हूँ। क्यों? क्योंकि आज मेरे सहेली का सालगिरह है, उसी में पहुँचना चाहती हूँ। अब समझ में आए है मेरे बाबू, क्या सहेली का साल गिर गई? साल नहीं, साल तो पट्टा गिर गया है। वो साल गिरा कह रही है, कहने का मतलब जिसे तुम जन्मदिन कहते हो कि जन्मदिन मनाया जा रहा है, बर्थडे। हाँ, ये नहीं समझेगा जिसे बर्थडे कहते बर्थडे मिट्टी बर्थडे बर्थडे राम सर वो कहा को देखो राम सर बेटी राजा सयानी हो गई। अगर इस तरह से इसे जाने की इजाजत दे दूंगा, रास्ते में अगर कुछ हो गया तो हम करेंगे क्या? अरे बाबू, रास्ता दूर के बाद, अगर रास्ता में कुछ हो गया है, रास्ता में चली जाती है। उधर बोलो, जैसे रास्ता में चली आ गए पीछे के हो गया नहीं ना, सही है। मान लो लंगड़ो सीटी बजा दे, सीटी क्या बजा दी कभी? बहुत लोखा हो थी बाबू, कौन लड़की की याद देख लेना है। बिल्कुल सही कहा है राम शरण, आजकल के लड़के इतने बदतमीज हैं, जब आपको देखते हैं तो बदतमीजी से पेश आती है। बिल्कुल सही कहा है तुमने। अगर कुछ हो गया बाबू, अगर कुछ हो गया तो हार नाक कर जाए हमार निकुरा। नाक और निकुरा अलग अलग हो तो कहा कैसे? नाक माने इज्जत, निकुरा मारे निकुरा जाए। अच्छा, आज मैंने पहली बार सुना है तुमसे कि नाक और निकुरा अलग अलग होता है। इधर आओ बेटा जी। पिताजी, जो तुम चाहती हो अपने सखी के यहाँ जाने के लिए, सहेली के यहाँ जाने के लिए। हाँ पिताजी। बेटा देखो, तुम सयानी हो गई हो, तुम समझदार हो। क्या बोला तुमने? कहा गए बाबू जून जमाना खराब है। खराब कर क्यों बे? युग जमाना कहा जाता है, युग। ओह पुग हम कहा जाने, तब काहे को बोलता नहीं जाता, बोलता काहे को? बोलना नहीं तो भाई जो आज के बैठ को राम शरण ने काम ही करा दिया। राम शरण फिर मिला है, जमाना खराब है। हाँ, तब समय खराब है, जमाना खराब यात्रा दूर का है यही बाकी, इसलिए जाने के लिए इजाजत हम बिल्कुल नहीं देंगे। जिंदा? हाँ नहीं पिताजी, मुझे जाने दीजिए। राधा, हमका तो आगे बात बढ़ावे है ही यहाँ। राधा, मेरी बात को गौर से सुनो। हाँ पिताजी। अगर मैंने ना कह दिया तो ना कह दिया, नहीं तो कहता हूँ उसे करता हूँ। अगर तुम्हें कह दिया कि तुम्हें नहीं जाना है तो नहीं जाना। नहीं पिताजी। Bye.
वाले दिमाग खराब कर दिया। सयानी बेटी मेरी यहाँ पर खड़ी है, वो बदतमीजी बोलता है। क्या बोला तुमने? वो बते दोहरा नहीं कहता हूँ। क्या बोला? काटना है ना दादा। क्या कहा उसे? मुंह ते पापा साले। दिमाग खराब कर दिया सर। चल करे। वो कह रही है कि रूठे रूठे हमारे पापा क्यों रूठे? तुमने क्या कहा? हे बाबू क्या है? जाय दे जाय दे ना है। अब तनके दिन चिल्लाई लगी है। मतलब ना जाय दे बे ना, अब रोई लगी जिद्दी। मतलब ये कि बहुत जिद्दी लड़की है। बहुत जिद्दी नहीं है। जिद्दी नहीं है? भाई साले बढ़ गया। आता है सारा। बहुत जिद्दी नहीं है। अबे जिद्दी है, जिस चीज के लिए जिद कर लेती है, जब तक मैं उसे पूरा नहीं करता मानती नहीं। बेटा था बेटा, तेरी माँ बहुत छोटी सी थी, तू तभी समाप्त होगी। कहने का मतलब भगवान को प्यारी होगी। मरिया हारे प्यार देता तुम्हें चला। जी बाबू जी, कोई कमी नहीं होने दिया कि सुनियो तेरी माँ नहीं। तो मेरी बात को सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूँ। तेरी ख्वाहिश को पूरी करता आया हो और आज भी पूरी करने के लिए तैयार हो। बेटा साफ से जा सकती हो, ठीक है, लेकिन एक बात के लिए ख्याल रहे। क्या? अच्छा एक बात बताओ। हाँ। तुम कितने समय के लिए जा रही हो? हाँ, सारी पूछा। हाँ। हाँ। ना तो वह महीना हो जाए। इधर अभी क्या बोला? क्या बोला मैं कहता हूँ? अमा का भले पूछे ना, दो महीने बिता दिए, महीना बीत जाए। मारो सर, मत रो, मैं तेरी बात को समझ नहीं पाया। नहीं तो जब तुम कभी समझता हूँ इसका मतलब मैं पागल हूँ। चलो हटो। कोई सकत जमींदार है पागल नहीं। हाँ पिताजी, हम तुमसे जानना चाहते हैं, सारा दिमाग खराब कर देते हैं। क्या लाएगा बाबू जी? ये बताओ कितने समय के लिए जा रही है? ज्यादा दिन नहीं पिताजी, केवल तीन चार दिन लगेंगे बस। बस ठीक है बेटा, तीन चार दिन के लिए जा रही हो जी, लेकिन एक बात अपने दिमाग में रखना। क्या बात? जब कभी वहाँ से तुम आने लगो ना, हाँ, तो दिन ढलने के पहले आ जाना। अच्छा अच्छा बाबू, कहा समझियो दिन निकले को पहले चली आई। दिन ढालने का मतलब क्या होता? दिन ढालने निकलना नहीं होता साले, दिन डूबना होता है। कहने का मतलब दिन डूबने के पहले घर आ जाना। मैं ये कह रहा हूँ शाम तक। हाँ घर चली आई तब नहीं, हम सब यहीं से हुचका। हुचके की मतलब कहा हो तुम्हें? मतलब कहा? मतलब याद आएगी तुम्हारी। तुम्हें जा रही है? हाँ मुझे इजाजत दे रहे हैं, लेकिन आप फरार करो, कोई स्टेशन तक चले जाओ, टिकट कटा करके
भाई साहब बिटिया राधा को गाड़ी पे बिठा दे। रजब पे जा राशन नहीं रे रिजर्वेशन कहा जाता है। रिजर्वेशन रिजर्वेशन ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। अरे हमारा बउआ बा। अच्छा ठीक है भाई कुछ भी करो जाओ बेटा तेरा सामान समेटे हम आवत ही खुश बाय बाय नहीं सब नहीं आप बात आप बाय बाय अबे जैसे तुम नमस्ते कहते हो कहने के बजाय टाटा टाटा बाय बाय और कुछ देख बट है क्या देख रहा बेटी करे लगी होगी शादी भी करे ले नहीं हाँ तो ऐसा क्यों नहीं बोलता कि शादी योग्य हो गई है। रामचरण जो बात मैं कहना चाहता था तुमने मेरे मुंह की बात छीन लिया मतलब ये है कि मेरे कहने के बदले तू ही कह डाला। हाँ। एक अच्छा सा लड़का खोजो ताकि हम इसकी शादी कर दें मेरे सर का बोझ हल्का हो जाए। बिटने कई साल का भाव हो। हाँ ठीक पूछा तुमने बिल्कुल ठीक पूछा। लेकिन आधार लगभग 18 साल की हो गई तो लड़के कई साल का जाए 22-23 साल का लड़का खोजो भगवान ने खाएगी क्या बे अरे 3 साल ओवर होगा बे 5 साल तो क्या है जरूरी है कि तगड़ा तंदुरुस्त रहेगा। अब दिखाई बाबू तू क्या चाहता बेटी आए 18 साल का 20 साल का लड़की चाहिए। अच्छा ठीक है तुम अपनी मर्जी से 20 साल का। हाँ क्या बाबू क्या मान लो 20 साल की लड़कियां ना मिल पाए मार बिचारी 10-10 साल का 2 लड़कियां ठीक कह दी खबरी खराब करता है क्यों भी हम तो बच्चों से शादी करेंगे। तू डर के काम था तू ही तो कह रहा था 10 साल बाद एक अच्छा में फूट करें सही खराब हो जाएगा। 20 का नहीं खोजोगी 22 साल का एक लड़का खोजो और अच्छा लड़का खोजो और कौन चलेगी वो चला है मर्जिया के पास।